हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट में। आपको ये बाहर का पोजीशन है, ये देखिए अंदर से इसको देख सकते हैं आप, ये कितनी जर्जर अवस्था में है, क्योंकि इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक नामक एक शासक ने 1321 ईस्वी में की थी। तो लगभग 700-800 साल पुराना है ये फोर्ट, जो टूट चुका है, लेकिन इसके अवशेष अभी बचे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। देखिए, जब मैं वहाँ गया था तो ये एंट्रेंस है वहाँ पे, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, तो देखिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ अभी, और काफ़ी मजबूत है। अगर आप देखेंगे तो इतना पुराना होते हुए भी इसकी जो दीवारें हैं काफ़ी मजबूती से बंधी हुई है। ये गिलहरी भी यहाँ पर आ गई थी और इसको देखिए ये ऊपर चढ़ गई। इस तरह के कई चीज़ें यहाँ पर घूमती फिरती रहती हैं, क्योंकि ये काफ़ी शांत इलाका है। ये उसी का एक पार्ट है, और ये नीचे यहाँ पर बाद में बनाया गया है थोड़ा सा पार्ट, ये नीचे बनाया हुआ है, और इसको देख सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा है, बहुत बड़े जगह पे फैला हुआ है। ये घूमने का काफ़ी अच्छा जगह है और बहुत शांति है वहाँ पे। देख सकते हैं आप, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आगे क्या क्या है इसमें। देखिए, कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं सब वहाँ पर जाके। देखिए इसकी दीवारें, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनाया हुआ है। उस समय की आर्किटेक्चर, यानी कि उस समय का जो इंजीनियरिंग था, देखिए उस समय कितनी अच्छी अवस्था में थी, कि उस समय का जो दीवार है, बना हुआ दीवार जो है, वो आज तक नहीं टूटा है। ये मैंने वहाँ फ़ोटो खिंचवाया था, देखिए कितना अच्छा पीछे का लुक है, और ये पीछे का लुक देखिए कितना अच्छा है, फिल्म की शूटिंग जैसा। और ये जब मैं हम लोग उधर जब ये ऊपर में गया, तो उधर ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ये तुगलकाबाद फोर्ट के ऊपर मैं चढ़ा था, उसके बाद यहाँ से इसका व्यू देखिए नीचे। ये सड़क है वहाँ पे, एमबी रोड, दिल्ली का एमबी रोड। ये मैं वहाँ वीडियो बना रहा था मस्ती करने के लिए, इसमें गाना सेट करने का सोचा था लेकिन टाइम नहीं मिला। देखिए, मैं ऑफिस से ही गया था घूमने के लिए, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, काफ़ी अच्छा सुंदर लोकेशन है। फ़ोटो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, वहाँ पे एक गुफा था, ये देखिए कितना लंबा गुफा है ये, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कैदियों को रखा जाता होगा, क्योंकि देखिए जब मैं इस गुफा में घुसा तो इनके दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो कि काफ़ी अंधकार में थे। देखिए दोनों तरफ दो कमरे बने हुए, काफ़ी अंधकार थे, और वहाँ पर अगर आपका जाना मुश्किल है, इतना डरावना सीन था वहाँ पर, अगर यहाँ पर रात में कोई जाए तो वो रह नहीं पाएगा बिल्कुल भी। देखिए दोनों तरफ कमरे बने हुए छोटे छोटे, बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि किसी कैदी को रखने के लिए बनाया हुआ वैसा, और बहुत ही मजबूती से बना हुआ था। देखिए उस समय भी आर्किटेक्चर को देखिए, किस तरह से गुफा का निर्माण कर दिया गया, और ये काफ़ी दूर तक था, लगभग 20 से 25 ऐसे छोटे छोटे कमरे होंगे, आई थिंक वहाँ पर कैदियों को रखा ही जाता होगा, कैदियों को या सिपाहियों को। आई थिंक ये बंकर टाइप का हो सकता है, कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो छुपने के लिए भी हो सकता है, काफ़ी मजबूत था ये। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी तक देखिए कितने देर से मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये गुफा ख़त्म नहीं हो रहा। और फिर ये ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे बना हुआ है, और ये इससे सीढ़ी बाहर निकल करके बाहर की ओर जाती है। अब देखिए इसको, ये देखिए अभी तक कमरा ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं कैमरा भी उधर नहीं कर पा रहा है, डर के वजह से मैं नहीं कर पा रहा था कैमरा, क्योंकि लगा कहीं बाद में वीडियो में कुछ दिख गया तो काफ़ी डरावना हो सकता है। देखिए मैं ऊपर निकल रहा हूँ, काफ़ी थक गया था, क्योंकि इसकी जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही खड़ी खड़ी सीढ़ी है, और ये मैं बाहर निकल आया। देखिए अब इसको आप भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। चलिए अगले